हम लोगों का पैरस दीपंकर का जो ओरिजिनल फार्म है, टोपी उड़ गया। हॉलैंड बजिस का हम लोगों का बर्ड ब्रीडिंग फार्म पे ये सबसे पहला ब्रीड है। फर्स्ट टाइम के लिए हॉलैंड बजिस का हम लोगों का बर्ड फार्म में ब्रीडिंग हुआ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। मैं तो हर रोज़ एक बार करके आके देखता हूँ, इन लोगों को चेक करता हूँ, और ये लोग धीरे 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 बड़ा हो रहा है। बहुत खूबसूरत, ये शायद ग्रीन कलर का आएगा। बहुत सुंदर। और एक है सबसे छोटा, सबसे छोटा, इसका तो अभी फेदर भी नहीं आया, और ये धीरे 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 पिन फेदर आना शुरू हो रहा है। और ये सारे जो बेबीज है कितना खूबसूरत है, इसका चोच पे कुछ लगा हुआ है। हाँ, तो ये रहा तीन हॉलैंड बजिस का बेबी। हॉलैंड बजिस का ब्रीड आया है और सक्सेसफुली इन लोगों का पेरेंट्स तीनों बेबीज को सही तरीके से फिट करा के पाल पोस के बड़ा कर रही है। बहुत खूबसूरत है। अंदर फीमेल बैठी है और मेल, मतलब इन लोगों का पेरेंट्स फादर बाहर बैठा है। हाँ, ये बहुत गुस्सा करता है। चलो धीरे धीरे, देख लिया, चेक कर लिया, सारे बेबीज एकदम सही तरीके से उन लोगों का पेरेंट्स पाल पोस के बड़ा कर रहा है। चलो यहाँ बैठो। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैर दीपंकर। मैं दीपंकर करता हूँ आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और तो अभी जाएंगे, जैसे इसका पिछले का वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया था, हाँ, ठम्मा के लिए बहुत बड़ा सा 500 पेयर बेजीज जाभा एंड लबार्ड का जो ब्रीडिंग कॉलोनी हम लोग सेटअप किया था, उसका काम तो शुरू हो गया था। और मतलब उस दिन मिट्टी वगैरह डाला गया था, उसका वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो पार्ट बाय पार्ट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैसे काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और कब ब्रीडिंग शुरू हो रहा है, और ब्रीडिंग से कितना अर्निंग जनरेट हो रहा है, जैसे आप लोगों को बताया था, उसी हिसाब से पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। और तुमको जाना है क्या? नहीं जाना है, ठीक है, छोड़ो बात में। चलो अभी जाएंगे ठम्मा का वहाँ। ठम्मा को कुछ नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं और सडनली जाएंगे, क्योंकि मिस्त्री लोग भी काम कर रहा है, सही से काम हो रहा है कि नहीं पता नहीं, इसी के लिए सडनली जाएंगे और देखेंगे सही से काम हो रहा है कि नहीं। बहुत तेज धूप है, जाबे एक जाबो चले तो जाबे जाओ, चलो 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 चलो। रेडी नहीं 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 लेके जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा बाद में। ये तो वीडियो का सामने मतलब पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में पूरा दिन आज का दिन गया, तो इसी के लिए ले जाना ही सही रहेगा। चलो बैठो। चलो हो गया रेडी। काली पूजा है एक दो दिन में, तो काली माता का मंदिर को ऐसे सजाया जा रहा है। और ये 500 पेयर का जो सेटअप बन रहा है हम लोगों का, मतलब हम लोगों का पैरस दीपंकर का जो ओरिजिनल फार्म है, टोपी उड़ गया था हवा में। हाँ, तो जैसे बताया था कि हम लोगों का फार्म से ज़्यादा दूर नहीं, मतलब ये जो 500, देखिए 8 माइल वो तो बहुत दूर है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा, लेकिन ठम्मा का यहाँ 500 पेयर्स का बजीज लबार्ड एंड जाभा का जो ब्रीडिंग सेटअप बन रहा है, ये तो उतना दूर नहीं। हम लोगों का जो पैरट दीपंकर एक्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म है, वहाँ से 2-2.5 मिनट, 2 या 3 मिनट के अंदर ही यहाँ पहुँच जाता हूँ। और ये रहा सामने, यहीं थोड़ा सा आया और राइट टर्न लिया, उसके बाद यहाँ से ऐसे करके पहले आगे जाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ बैक में, क्योंकि यहाँ इतना डाउन है निकलने के टाइम मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे सीधा आ जाएंगे तो। चलो उतरो, टोपी उड़ गया था, फाइन लग जाएगा, भगवान का शुक्र है कि कोई गाड़ी उसका ऊपर से नहीं गया। और जो देखा कि तेजी से काम चल रहा है, हाँ,
আজকের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে মনে হয় বাবু, নিচের গাঁথাগাঁথিটা গাঁথনিটা হয়ে যাবে না, প্লাস্টারটা বাকি থাকবে। দেখা এক হি দিন মে তো পুরা আঙ্কেল জি আজ তো শার্ট পেহনে হুয়ে হ্যাঁ। अंकल जी को पता है इसका पहले वाला वीडियो में कैमरा के सामने ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब पूरा ये शर्ट वगैरह कुछ पहना नहीं था तो इसी के लिए, और वो वीडियो एकदम वायरल हो गया। पता है आपका ये पूरा बॉडी देखे ना वीडियो वायरल हो गया। तो जैसे बताया था 8 फीट का सारे पिलर था, यही सारे पिलर ऐसे करके लगा दिया, और यहाँ तो डाउन था, यहाँ भी मिट्टी डाल दिया गया है और इसका बीच में आ नहीं पाया। उसका भी कुछ वीडियो क्लिप्स अगर बना लेते तो और भी अच्छा होता, समझने में आसान हो जाता, क्योंकि ये तो 3 इंच का ऐसे दीवार उड़ रहा है, नीचे ऐसे 2 फीट जाके वहाँ से ऐसे ईंट का कॉन्क्रीट का बनाते बनाते यहाँ तक आया, मतलब नीचे से यहाँ 3.5 फीट तक का है, और यहाँ से मतलब जहाँ से हम लोग मिट्टी डाले हैं इसका ऊपर भी एक लेयर करके कॉन्क्रीट का ढलाई कर देंगे, या ऐसे ईंट सोलिंग करके बालू और सीमेंट दे के ऐसे मेजे टाइप का बोलते हैं ना कंक्रीट का बना देंगे, ताकि नीचे से चूहा और स्नेक आना पाए। मतलब यहाँ से जो ये बनाया कम से कम 2.5 फीट का होगा, और इसका ऊपर से पूरा ऐसे शेड लगा देंगे, पूरा ऐसे शेड लगा देंगे, और ये जो गांथनी कहते हैं बंगाली में, ये गांथनी तो आज ही का कंप्लीट हो जाएगा, और बोथ साइड हम लोग प्लास्टर लगा देंगे, ताकि प्लास्टर नहीं लगाएंगे तो मजबूती भी सही नहीं होगा और लॉन्गजीविटी भी उतना अच्छा नहीं होगा, तो प्लास्टर लगा देंगे और उसके साथ नेट भी लगा देंगे। अंकिल जी दादा एगलो नेटो कर देवे लास्ट है। आज 4 दिन चल रहा है काम, 4 दिन का अंदर यहाँ मिट्टी डालने का, पहले तो साफ़ सुथरा किया, यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा छोटा छोटा था तो वो सब एकदम साफ़ सुथरा करके मिट्टी डाला गया, और तभी से लेके आज 4 दिन हो रहा है। 4 दिन अभी तो सुबह 11:30-12 हो रहा है, मतलब 3 दिन पूरा, और आज का सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, इसी टाइम का अंदर पूरा मिट्टी डालने का काम कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पीटा भी गया है मिट्टी को ताकि टाइट हो जाए, और दीवार मतलब ये जो वॉल छोटा सा वॉल बाउंड्री टाइप का वॉल बन रहा है ये आज कम्प्लीट हो जाएगा, कल का अंदर पूरा प्लास्टर और नेटिंग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 4 या 5 दिन, मतलब आज तो 4 दिन कल 1 दिन 5 दिन, 5 दिन का अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 या 2 दिन ऐसे कुछ लगेगा, उसके बाद यहाँ भी बन जाएगा, उसके बाद हम लोगों को शुरू होगा, मतलब 10-12 दिन, और जो चार्जेस आ रहा है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा कि ईंट कितने रुपये का परचेस करना पड़ा, बालू सीमेंट और काम के लिए सारे मिस्त्री सारे लोगों के लिए कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप एक एक हिसाब आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे, और ये जो पिलर है इनको भी खरीदने के लिए कितना पड़ा था, एक्चुअली ये वहाँ से खरीदा था, इसको इसका बिल देखना पड़ेगा, याद नहीं है, 3-4 महीना 5 महीना हो रहा है, तो इसका भी बिल देख लेंगे और एकदम कैलकुलेट करके आप सभी के साथ शेयर करेंगे जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा। फिर भी थोड़ा सा शेयर करता हूँ, ये जो ईंट हम लोगों ने लिए है ये 12,000 करके लिए है, और सीमेंट कितना करके लिया 400 अंबुजा प्लस सीमेंट से काम हो रहा है, 400 करके एक बोरा, 10 बोरा सीमेंट आया, दीवार के लिए 1200 मतलब 1200 ईंट लाना पड़ा, बालू 40 बोरा, लेकिन वो ऐसे हिसाब देंगे तो वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि बालू ज्यादा हो जाएगा सीमेंट ज्यादा हो जाएगा, सादा बालू भी 10 बोरा नीचे साइड में दिया गया है, मतलब ये जो साइड में जहाँ से नीचे से हम लोग बनाया ना वहाँ नीचे सादा बालू डाला गया है, मतलब ऐसे करके कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, टोटल कंप्लीट जब हो जाएगा तब एक पूरा वीडियो बनाएंगे कि एकदम नीचे से लेके कितना ईंट गया, बालू सीमेंट के लिए कितना गया, नीचे ईंट बिछाएंगे या कॉन्क्रीट का ढलाई कर देंगे पतला करके, मतलब टोटल, और बार्स खरीदने के लिए भी कितना पे करना पड़ा, नेट वगैरह ऊपर जो सेट लगेगा उसके लिए टोटल कॉस्टिंग्स कितना आ रहा है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ से हम लोगों का जो कलमी साग सारे बर्ड्स के लिए सारे पैरट्स के लिए जो कलमी साग जाते हैं ना, मैं हमेशा हर एक वीडियोस में कहते रहता हूँ कि जो वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह हम लोग देते हैं वो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पेस्टिसाइड्स ना हो, मतलब एकदम फ्रेश होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स रहेगा। देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं वो तो उबाल के खाते हैं ना, उबाल के धो के अच्छे से, हाँ अगर आप मार्केट से आपको खरीदना पड़ रहा है नेचुरली आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, खरीदने के बाद एप्पल साइडर विनेगर वगैरह वो थोड़ा सा दे के, या पानी में आधा एक घंटा वेजिटेबल्स और सब्जी खरीदने के बाद आधा घंटा 1-2 घंटा भिगो के रखिए, पानी के अंदर डाल के रखिए, उसके बाद उसको निकाल के साफ सुथरा करके बार्ड्स को देना चाहिए। फिर भी ऐसे डुबो के रखने से पेस्टिसाइड्स अगर बहुत खतरनाक बहुत पावरफुल होगा पूरा तो पूरा मतलब निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए हमेशा रिकमेंड करूंगा, आपका सामने कोई जगह नहीं है जहां थोड़ा सा खेती वगैरह आप कर पाए तो घर का छत बागान, अभी तो छत बागान एक बहुत पॉपुलर हो गया है, छत का ऊपर ऐसे टॉप में थोड़ा मोड़ा आप लगा सकते हैं सब्जी वगैरह। जैसे हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों को तो ऐसे कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का बहुत बड़ा बागान भी है बगीचा भी है जहाँ से बर्ड्स के लिए बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल जाता है। और कलमी साग तो अंकल जी यहाँ से लेके जाता है बहुत, तुलसी पत्ता, और इस तुलसी का गुण के बारे में क्या बताऊँ, मतलब लाखों हजारों गुण है ह्यूमंस के लिए भी और उसी के साथ बर्ड्स के लिए भी। यहाँ एक मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका बर्ड ब्रीडिंग सही से नहीं कर रहा है थनकोनी और 4 या 5 अंडा लेकर था, देखिएगा कभी कभी वो 2 अंडा लेकर रहा है, मतलब एग लेइंग का क्वांटिटी उसका फर्टिलिटी सब कुछ ये ऐसे तुलसी का पत्ता ब्रांच के साथ
ऐसे तोड़ तोड़ के दीजिएगा तो 4 से 6 महीने के अंदर आपको चेंज फर्क पता चलेगा। एग लेइंग का क्वांटिटी और फर्टिलिटी, क्या बताऊं, तुलसी का पत्ता। और यहाँ है हम लोगों का नेचुरली जो कलमी का साग मिलता है, कलमी साग बंगाली में कहते हैं। और ये सारे बार्ड्स, पैरट टाइप का बार्ड्स तो बहुत शौक से खाता है, बहुत ही आनंद के साथ खाते हैं। दूसरा कोई वेजिटेबल्स दूं, सब खाता है, लेकिन कलमी साग बहुत शौक से, बहुत आनंद के साथ वो लोग खाते हैं। हाँ, ये पेंट का बाल्टी हिलाना पड़ा क्योंकि ठम्मा का अच्छा स्टील का बाल्टी यहाँ काम पे लग गया था। दादा ईटा थे तुम्हारा नाम है, ये थम्मा का स्टील का बाल्टी है, उनको वापस करना है। थम्मा तो सुबह से यहाँ था, मतलब पूरा काम वाम सब खुद अपना, मतलब बहुत केयरिंग करके देखते हैं। और अभी दोपहर है, इसी के लिए खाना बनाने के लिए गई है, थम्मा को ये ले जाके देंगे। अच्छा, प्लास्टर की एक दिन हो जाएगा उन्हें। थम्मा तुम्हारा बाल्टी, तुम्हार भालो बाल्टी ठाकुमा, देख लो तो কারেন্টের মতো কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, দেওয়ালে হয়ে যাচ্ছে। আর 7-8 দিন 10 দিন তার মধ্যে পুরো রেডি, পাকিয়ে এসে দিয়ে যাবে। না ঠাকুমা, আজকে না, আজকে না। তুমি ভালো আছো তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। সকাল থেকে হ্যাঁ নিমকা কুচ লেনা, কি রান্না বান্না কি করেছো? আর এ ঠাম্মা কা কাইয়া, এ আবি দুধ দে রা হে? না, ও हाँ। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का नेचर इतना अच्छा है, यहाँ का नेचर इतना अच्छा है, हमको 100% मतलब कॉन्फिडेंट है कि यहाँ सारे बर्ड्स का, मतलब हम लोग जो बना रहे हैं वो एकदम सक्सेसफुली हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। हर एक छोटे बर्ड यहाँ अच्छे हेल्थ के साथ रहेगा और बहुत अच्छा ब्रीड भी होगा। डॉग्स की भी चाहिए तो तुम चढ़ोगे? चढ़ नहीं सकते? नहीं, चलो पकड़ो। हाँ। नारियल का पेड़ में चढ़ाता है, कहाँ कहाँ नहीं चढ़ाता है। हाँ। जिस दिन गिर के नीचे गिरूंगा। चलो पकड़ो, ज्यादा नहीं, 2-4 ऐसे लेंगे। ब्लू वाली के लिए थोड़ा सा मोटा चाहिए। मोटा, पीछे हटो। चलो हो गया। हो गया तो बहुत सारा नीम का लकड़ी ले लिया। और नीम का पत्ता भी बर्ड्स के लिए नेचुरल डीवॉर्मिंग जो होता है, ये नीम का पत्ता नीम का लकड़ी देने से, वो चबाने से, मतलब नेचुरली डीवॉर्म भी हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। तुलसी, नीम, मतलब नेचर का अंदर सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप कोशिश करेंगे, सारे बर्ड्स, पैरट्स, मतलब कुछ भी है आपके पास पेट्स, दिमाग लगा के नेचर का अंदर से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा नेचुरली उन लोगों को हेल्दी स्वस्थ रखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठम्मा कहाँ है? ठामा सब सबाइके बोलते हुए, ये वीडियो जो हमारे होच्चे, ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो सारा फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिए। और अब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए, ठम्मा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपका एक लाइक हम लोगों के लिए, ठम्मा के लिए बहुत मायने रखता है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट अस। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेगा किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ठम्मा एक बाय बाय करते हुए, बाय बाय। नेचुरली डीवॉर्मिंग होता है, बहुत काम का है। नीम का लकड़ी, नीम का पत्ता, नीम का ब्रांच, तुलसी, एक सब बहुत अच्छा होता है बाढ़ के लिए। 3-3 दिन की भी पूरा होगा, नेचुरली डीवॉर्मिंग होगा, बहुत सारा काम में आता है। ये तो नीम का पत्ता है और ये इसका
इसका पहले एक वीडियो बना के बताया था कि ये टल्ली का बच्चा है, लीवर के लिए इतना काम करता है। कोई बर्ड अगर बहुत ज़्यादा वोमिट कर रहा है, वोमिटिंग हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, कुछ भी खा रहा है तो उल्टी करके वोमिट करके निकल जाए, अच्छा इसको दे दो ना, वोमिट करके निकल जाए, तो इसका पत्ते का रस निकाल के, रस निचोल के, मतलब थोड़ा सा मतलब इसका जो पत्ता है ऐसे 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 करके तोड़ के, मतलब इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ऐसे पीस के जो रस निकलेगा वो रस बहुत अच्छा होता है। संजय सारे ब्रीडिंग केज में थोड़ा थोड़ा करके डाल दो, छोटा छोटा करके। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मेरे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।